प्रियम स्टडी चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा पाँचवीं की हिंदी विशिष्ट का जो वर्कशीट है उसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल प्रियम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और ये शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो दिया गया है कि पाठ दशहरा में दिए गए अलग अलग शहरों में दशहरा मनाया जाता है, शहरों में मनाए जाने वाली दशहरे में क्या अंतर है? लिखिए आपके गाँव शहर में दशहरा कैसे मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। तो जो आंसर है वो है, हमारे गांव दशहरा एक विशेष प्रकार से मनाया जाता है। दशहरा के 3-4 दिन पहले से ही रावण को बनाने की तैयारी लग जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के बारूद भी बनाने में उपयोग किया जाता है तथा जिस दिन दशहरा होता है उस दिन राम लक्ष्मण भगवान को सजाया जाता है एवं रावण का विशेष ढंग से वध किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया है जो कि है दूसरे प्रश्न का पाठ, ईदगाह में बच्चों द्वारा खरीदे गए खिलौने का घर पहुंचने के बाद क्या हुआ और क्यों? अपने शब्दों में लिखिए आपको कौन कौन से खिलौने पसंद हैं और क्यों, लिखिए। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो देख सकते हैं आप कि पाठ ईदगाह में बच्चों द्वारा खरीदे गए खिलौने का घर पहुंचने के बाद बच्चों ने, जैसे महमूद सिपाही लेता है और उसके सिपाही का पांव टूट जाता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है और उसे घर ले जाकर तोड़ देता है, और लेकिन महमूद चिमटा खरीदता है क्योंकि उसकी दादी रोटियां बनाने में जल जाती थी इसलिए उसने चिमटा खरीदा। हमारे लिए गुड़िया कार ट्रैक्टर सिपाही आदि खिलौने पसंद नहीं है। अब उसी प्रश्न का बाद दिया गया है जिसमें है, यदि आप हामिद की जगह लेते तो आप उन पैसों का क्या करते या क्या उपयोग करते? तो यह आंसर होगा, यदि हम हामिद की जगह होते तो हम भी उन पैसों का उसी तरह उपयोग करते जिस प्रकार हामिद ने चिमटा लेने के लिए किया था। तो यह आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 3। इसमें दिया है पाठ पन्ना का त्याग कविता में निम्नलिखित घटना जिन पंक्तियों में हो रही है उन पंक्तियों को लिखिए। तो यहाँ पर क्या है, जब बनवीर ने चंदन को मारा तो फिर उत्तर में क्या आ जाएगा, तत्काल तबलक तलवार उठी और शोषित से ढंग बिखेरा था, ये उसकी अगली पंक्ति हो जाएगी। फिर है प्रश्न नंबर 12, इसमें दिया है जब पन्ना ने उदय सिंह और चंदन को आपस में बदलने का सोचा तो यहाँ पर आंसर में आ जाएगा, महलों से कीरत निकल चला उदय सिंह की रक्षा का। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। अब है चंदन को महल से निकला, ठीक है, तो एक मृगी ने छोने को सह के हाथों में सौंप दिया, ये हो जाएगा वहां पे। फिर धरती अंबर कांपी और पन्ना का नाम इतिहास में अमर हो गया, इतने में हाहाकार मचा, यमराज आ गया हमलों महलों में। फिर है पन्ना द्वारा चंदन के कपड़ों का बदलना, एक मृगरी ने छोने को सह को हाथों में सौंप दिया, ये फिर से आ जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न 4, पाठ ईश्वर चंद्र महासागर के अनुसार आप ईश्वर चंद्र के किन किन गुणों से प्रभावित हैं, इन गुणों को आप अपने जीवन में किस प्रकार अपनाएंगे? तो यहाँ पर कुछ उनके मतलब की गुण बताएंगे जिनसे प्रभावित हैं आप। तो यहाँ पर है, गरीब पिता की संतान ईश्वर चंद्र द्वारा मात्र 8 वर्ष की आयु में, अल्प आयु में ही अपने गांव से कोलकाता तक की 20 मील की लंबी यात्रा पैदल तय करने की घटना ने मुझे अत्यंत प्रभावित किया क्योंकि यह घटना बताता है ईश्वर चंद्र जब पढ़ाई के लिए कितने दृढ़ संकल्पित और धैर्यवान रहे। तो ये इसका आंसर हो। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न 5 में है, कविता हम भी सीखें में कवि ने आपसे किन किन कामों को करने की अपेक्षा की है, उसके प्रभाव क्या होंगे, लिखिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर है वो उस प्रकार से होगा, प्रस्तुत कविता हम भी सीखें प्रसिद्ध कवि गोपाल कृष्ण केवल पुल कलसर्प लिपि गई हैं। इस कविता में कवि ने प्रकृति से प्रेरणा लेकर मनुष्य को त्याग सेवा और सहयोग की भावना का विकास करने की बात कही है। यदि हम अपने चारों ओर गुप्त परिवेश को देखें तो प्रकृति की प्रत्येक वस्तु दूसरे की सेवा में लगी दिखाई पड़ती है। हमारा देश हमें सब कुछ प्रदान करता है, हम भी दूसरों को कुछ ना कुछ देना सीखना चाहिए। सूरज हवा धरती पेड़ इत्यादि सभी त्यागी हैं, हम भी इन्हीं की तरह दूसरों के लिए जीना सीखना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला। अब है प्रश्न नंबर 6 जिसमें दिया है जो कि प्रोजेक्ट कार्य है,
करके देखिए, मैं चने और मूंग के कुछ दाने लेकर पानी में अलग अलग रात भर भीगने के लिए रख दें। सुबह पानी छानकर बीजों को कपड़े में बांध लीजिए। अब अगले दिन देखिए, ठीक है। तो क्या बीज में परिवर्तन होगा? हाँ, बीज में परिवर्तन होगा, बीज में कुछ अंकुरण उत्पन्न हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि हाँ तो क्या? चने में अंकुरण उत्पन्न हो गया, ठीक है, ये भी उसका अगला आंसर होगा। इस परिवर्तन को क्या कहते हैं? इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। फिर इसके बाद में है अगला प्रश्न, जिसमें दिया है सोचिए कि बीज में अंकुरण के बाद और कौन कौन से परिवर्तन होंगे, लिखिए। तो बीज में अंकुरण के बाद जब जड़ निकलना भी शुरू हो जाता है, इसके बाद वह जड़ जमीन में चला जाता है और धीरे धीरे पेड़ पौधे बनने लगते हैं। जब तक बीज से कोई पत्ता नहीं निकलता, तब तक जो क्रिया होती है उसे अंकुरित होने की क्रिया में लाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वो है अपने माता पिता पालक से पता करें कि किस मौसम में कौन सी फसल आती है। यहाँ ठंड में क्या आती है? मटर, सरसों, चना, गेहूं आदि, ये फसलें आती हैं ठंड में। गर्मी में आती हैं लौकी, मेथी, टमाटर आदि। और इसके बाद है बरसात में सोयाबीन, उड़द, इस टाइप की जो फसलें हैं वो आपने देखी, इसमें कहाँ पर कौन सी आती हैं, अब देखेंगे। अब है प्रश्न 7वां। तो प्रश्न 7 में दिया है निम्नलिखित संकेतों के आधार पर वर्ग पहेली हल कीजिए। तो यहाँ पर क्या है? बाएं से दाएं लिखेंगे इसका आंसर और ऊपर से नीचे लिखेंगे इसका आंसर। तो बाएं से दाएं में जो मन को सुहाता है, ठीक है, वो होता है सुहावना। तो हम क्या लिखेंगे? बाएं से दाएं। और फूल का पर्यायवाची शब्द होता है वो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर से नीचे एक नंबर में, ठीक है, तो होता है सुमन। तो ये सुमन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं शरीर का भाग जिसमें खून दौड़ता है, तो वो क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में क्या लिखेंगे? ऊपर से नीचे, तो वो हो जाएगा मतलब बाएं से दाएं, तो वो हो जाएगा नस। और फिर क्या है? जंगल का पर्यायवाची शब्द है, तो वो हो जाएगा यहाँ पर दूसरे नंबर में लिखेंगे ऊपर से नीचे, तो ये हो जाएगा वन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने इसे कैसे सॉल्व किया। सो देखने के लिए थैंक यू।